नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी न्यूज़ बरेली में। मैं हूं आपके साथ सलोनी कश्यप। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बरेली शहर के चाँदपुर में। मेरे सामने देख सकते हैं आप या पीछे भी देख सकते हैं, यहां पर वाटर पार्क खुल गया है। सेम जो फन सिटी में एंजॉयमेंट देखने को मिलता था वो बरेली के चाँदपुर के अंदर यहाँ देखने को मिल रहा है, जहाँ पर दूर दूर से लोग आ रहे हैं और फुल एंजॉय कर रहे हैं। ये जो पार्क है ये एक फैमिली पार्क है, यहाँ पर सभी लोग एंजॉयमेंट करने आते हैं। और पीछे आप क्राउड देख सकते हैं कि कितना सारा है, लोग अपनी फैमिली के साथ भी आए हुए हैं। और देखिए सर यहाँ पर मौजूद है, चलिए सर से जान लेते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? निशान हाशमी। सर कैसा लग रहा है यहाँ पर? आज फर्स्ट टाइम आए हैं, एक्सपीरियंस अच्छा रहा। बच्चों फैमिली के साथ आया हूँ, अपने बच्चों के साथ आया हूँ। अच्छा रहा, मतलब बरेली में लगा के मतलब कुछ मनोरंजन के लिए है। अफोर्डेबल प्राइस में अच्छी चीज़ देखने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल सही है, बढ़िया है। और फन सिटी कॉस्टली थोड़ा सा, और थोड़ा सा दूसरा एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, तो ये वेरी गुड रहा एक्सपीरियंस, अच्छा रहा। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर तार है, यहाँ पर साइकिल है जो कि आप खुद चलाकर इस पार से उस पार जा सकते हैं, जो कि चीज़ अपनी पूरी बरेली में भी कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए चलते हैं ऊपर और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ये बरेली में पहले ही राइड है ये एडवेंचर में, और इसके बाद में सीधा लखनऊ में मिलेगा या नैनीताल में मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा ये आसपास में। ये वाली राइड साइकिलिंग और जिप लाइन कहीं पे भी नहीं है बरेली के सिवा। अच्छा सर, आपने कैसे सोचा कि हमें ये नया कॉन्सेप्ट यहाँ बैठाना चाहिए? ये हमारे फ्रेंड ने एडवाइस किया था कि आप ये चीज़ कर लीजिए, और आप इस चीज़ में, क्यों बच्चों को बहुत आजकल क्या रिस्क लेना बहुत मज़ा आता है, और इसलिए मैंने ये चीज़ करवाई कि इसमें बच्चों को खूब इंजॉय लें एकदम, और इसमें बहुत मज़ा भी है। अभी मैडम ने किया था, इनसे पूछे इनको मज़ा आया कि नहीं आया। ठीक है, इसका राइड में बहुत सेफली है, कोई दिक्कत नहीं है। लेडीज़ भी करती हैं, बच्चे भी करते हैं, लड़कियाँ भी करती हैं, सब लोग करते हैं, और ज़्यादा चार्ज भी नहीं है। 100 रुपीज़ चार्ज है, 50 रुपीज़ इसका है जिप लाइन का, जबकि हाँ साइकिलिंग का 100। हाँ, और जबकि यही चीज़ नैनीताल में इसके दुगने से ज़्यादा रेट हो जाता है, ये 600 का है साइकिलिंग। अच्छा। हाँ, और ये जिप लाइन 200 रुपीज़ से स्टार्टिंग है, ये है। और अपना क्या है, यहाँ के जो लोकल्स वगैरह हैं वो आते हैं, इन्जॉय करते हैं, बड़ा मज़ा आता है उन लोग को। जो एक बार कर लेता वो दोबारा सोचता है मैंने और करूँ। ठीक है, इसका इतना वो है। श्रीराम मीणा है, और ये मेरी वाइफ गीता मीणा है। अच्छा, आप यहाँ पे कहीं बाहर से आए हैं? हाँ मैडम, हम वैसे जयपुर के रहने वाले, लेकिन यहाँ पे विसारगंज में रेलवे में जॉब करते हैं। अच्छा। तो आज का क्या हमारा रेस्ट था, तो हम चले मतलब इस पार्क के लिए घूमने आए हैं। हाँ, इस पार्क के हिसाब से आपको ये कैसा लगा प्लेस? मैम हमें अच्छा लगा फैमिली के हिसाब से, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। अच्छा, चाँदपुर के अंदर एक नई चाँदपुर के लिए नई चीज मिली। मैम आपका कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान है। इमरान, आप यहाँ पे चाँदपुर में वाटर पार्क में आए हैं, स्विमिंग किया, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम, क्योंकि कहीं ना कहीं हम फन सिटी वगैरह अगर कहीं जाएं तो इतने पैसे हमारे पास नहीं होते, अफोर्ड नहीं कर सकते, और मात्र 150 रुपए में वाटर पार्क देखने को मिल रहा है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस टाइम। भैया क्या नाम है आपका? अमन। अमन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है एकदम। बरेली और आसपास की जनता से यही गुजारिश करूंगा कि एक बार यहाँ पे विजिट जरूर करें, क्योंकि कम पैसे में इतना एंजॉय हो रहा है। फन सिटी जैसे है, यहाँ पे 600-700 रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे कम पैसे में इतना एंजॉय मिलता है। सेम ही फैसिलिटी, टाइम लिमिट है इसकी? टाइम लिमिट कोई नहीं है, सुबह से आइए आप 10 बजे से के बाद से शाम को जाइए, DJ भी है और सारा एंजॉय है, एकदम बढ़िया है। एक बार ज़रूर विजिट करिए, सबसे मेरी यही गुजारिश है कि एक बार ज़रूर आएँ यहाँ पे। यहाँ पे फुल एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। देखिए सारे एडवेंचर आपने हमारी वीडियो के माध्यम से देखे होंगे। ये जो पूरी सिटी है इसका नाम रखा गया है मिरेकल सिटी। इसके ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलिए ऑनर से जानते हैं कि आखिर इस खूबसूरत से कॉन्सेप्ट को उतारने के लिए मन में क्या विचार उन्होंने सोचे, जो कि बरेली की जनता को इतनी अच्छी चीज़ वो दे पाएँ। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम KS चौहान है। जी सर, और ये मेरा ये है। अच्छा, ये आपका ये? हाँ, सर कब से आपके मन में ये सेटअप आपने बनाया था कि हाँ मुझे ये नया कॉन्सेप्ट बरेली के अंदर लॉन्च? एक्चुअली क्या, ये जो क्षेत्र है बरेली के साइड का स्पेशली देखा जाए औला तहसील का, तो यहाँ इस तरीके का कुछ लोगों के पास है नहीं, क्योंकि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आदमी को चाहिए होता है, चाहिए है ना। तो यही था कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं या बरेली के जो
इस टाइप के लोग हैं, तो वो यहाँ आए हैं उसका लुत्फ ले, तो विचार दिया ऊपर वाले ने। विचार दिया। आपने जो इसके रेट रखे हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, तो ये क्या सोचा था सर? एक्चुअली क्या ना कि अभी हम देखते हैं कि एक तो दो तीन साल से तो कोविड का शिकार है ना सारा देश रही है, तो ऐसे में जो दिनचर्या है लोगों की अस्त व्यस्त हो गई है, और चूंकि अपरिहार्य कंडीशन है, अपरिहार्य जो चीज़ है ये बहुत नेसेसिटी है कि कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट चाहिए, तो हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ तक आ सके पहुँचे, इसके लिए अभी चार्जेस को हमने बहुत लो रेट पर रखा है। लो रखे हैं। और सर बरेली की जनता को आप अपने ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? बस ये देना चाहते हैं कि सब लोग आएँ यहाँ, लुत्फ़ उठाएँ, और अच्छा है, अच्छा लगेगा उनको, ऐसा मेरा प्रयास है और इस प्रयास को फलीभूत करूँगा, ऐसी मेरी रहेगा कोशिश। तो जैसे कि आपने देखा जो मिरेकल सिटी है उसके ऑनर से हमने आपकी बात कराई, अगर बरेली की जनता को भी यहाँ आना है और आके यहाँ पे इंजॉय करना है, वाटर पार्क है, वोटिंग है, साइकिलिंग है, बहुत सारी चीज़ें जो कि हमने खुद की हैं और बहुत ही सेफ्टी के साथ बहुत ही मज़ा आया, फैमिली पार्क है, सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी दी गई, तो आपको भी आना है तो उत्तर प्रदेश बरेली शहर के चाँदपुर के अंदर आप आइए मिरेकल सिटी में। मैं सिटी न्यूज़ से सलोनी कश्यप, अपने वीडियो जर्नलिस्ट सत्यम के साथ, सिटी न्यूज़ बरेली।